अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सवाल ये पूछा गया, इन शर्ट करके नमाज पढ़ना कैसा है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो शर्ट अपनी जींस के अंदर डालते हैं, शर्ट इन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इन शर्ट कहते हैं, जो भी। तो इन शर्ट करके नमाज पढ़ना कैसा है, इसके हवाले से तफसील क्या है, नमाज होगी या नहीं, इसके मुतालिक मुफ्ती निज़ामुद्दीन सदर शोबे इफ्ता अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, उन्होंने जो तफसील बयान की है वो ये है कि इन शर्ट करके अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहत से ये खाली नहीं है। कराहत से खाली नहीं है यानी मतलब ये है कि ये तरीक़ा नापसंदीदा है। मकरूह की दो किस्में हैं, एक मकरूह तंजीही और एक मकरूह तहरीमी। इन शर्त करके नमाज पढ़ने से नमाज मकरूह तंजीही होती है, यानी नमाज तो हो जाती है लेकिन ये जो तरीक़ा है ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा या ताबईन जो सालिहीन है या उलमा है, मशाइख हैं, उनके पहनने का, कपड़ा पहनने का ये तरीक़ा नहीं है। इसलिए उलमाए कराम फुकाए कराम फरमाते हैं कि इन शर्त करके नमाज पढ़ने से नमाज तो हो जाती है लेकिन कराहत इसमें पाई जाती है, यानी नमाज मकरूह तंजीही होती है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे रहते हैं जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं और वहाँ ये सब लवाजमात रहते हैं, तो जब वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो इसी तरह इन शर्ट किए हुए रहते हैं और नमाज़ पढ़ लेते हैं। उनके लिए मेरा एक नाकिस मशवरा यही है कि जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ तो अपने इन शर्ट को आप खोल लें और जिस तरह रेगुलर कपड़ा पहनते हैं उसी तरह पहनकर आप नमाज़ पढ़ लें। फिर जब आप अपने ऑफिस में जाएँ तो चूँकि वहाँ लवाजमात में से रहते हैं, ज़रूरियात में से रहते हैं, तो फिर आप इन शर्ट कर लें, ये सबसे बेहतर तरीक़ा है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इन शर्ट करके नमाज़ पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी लेकिन मकरूह तंजीही नमाज होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।